देखो आज तुम लोग पढ़ने वाले हो करनी, ठीक है। बट करनी को पढ़ने से पहले उसमें जो भी मतलब कि विशेष जो बात जो है, जो टर्म है, उस टर्म को तुम लोग पहले समझ लो। तो देखो पहला टर्म ये समझ लो तुम लोग कि ये रूट है, और रूट के अंदर में हम कोई भी वर्ड लिखे, जैसे एक वर्ड डिजिट में लिख रहा हूं यहां पर, जैसे यहां पर दिया √5 और यहां पे क्या दिया हुआ है √4। तो देखो यहां पर जब इसको हम लोग इसका फैक्टर करेंगे, यानी कि जब एलसीएम लेके जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 हो गया, ठीक है। और जब इसको हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे, जब जोड़ा बन जाएगा तो क्या होगा, ये रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। सेम इसको जब तोड़ोगे तुम लोग तो क्या होगा, 5 × 5, और देखो 1 का भी जोड़ा नहीं बन पाया और 5 का भी क्या हुआ, जोड़ा नहीं बन पाया, तो क्या होगा, ये रूट से बाहर नहीं निकल पाया, इसको तुम क्या लिखोगे, √5 लिखोगे, ठीक है। सेम और एक नंबर तुम लेके देख सकते हो, जैसे यहां पर हो गया √9। तो जब तुम इसको तोड़ोगे तो क्या होगा, 3 × 3 √3, 3 × 3 हो गया, और जब इसको रूट से बाहर निकालोगे तो जोड़ा बन गया ये, तो जब इसको बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3। तो देखो जो संख्या, एक तो ये सीख गए तुम, दूसरा क्या देखोगे, दूसरा तुम ये देखोगे यहाँ पर कि जो संख्या रूट से बाहर निकल जा रहा है, देखो 4 का √2 बाहर, 2 निकला रूट से, और यहाँ पे क्या है 9 का, तो रूट से क्या निकला हम लोग का, 3 निकला। तो इस 3 को और 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, मौलिक संख्या। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, मौलिक संख्या, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मौलिक संख्या। बट देखो यहाँ पर √5 को हम लोग रूट से बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि इसका पेयर हम लोग नहीं बना पाए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमौलिक संख्या, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमौलिक संख्या। यहां से तुम लोग दो चीज सीख गए कि यहां पर जब भी रूट में जब पेयर बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस पेयर में से कोई एक डिजिट को बाहर निकालेंगे, और दूसरा जो रूट से बाहर निकल गया उसको हम लोग बोलेंगे मौलिक संख्या, और जो रूट से बाहर नहीं निकल पाया उसको हम लोग क्या करेंगे, अमौलिक संख्या बोलेंगे, अमौलिक संख्या। अब आगे देखो हम लोग इसमें एड, माइनस, मल्टीप्लाई और डिविजन कैसे करते हैं करने का। देखो सम्स में जाने से पहले इसका कुछ कुछ और बातों को समझ लो। जैसे देखो यहां पर दिया हुआ है √5, और यहां पर भी दिया हुआ है √5। तो जब इसका ऐड करने के लिए बोलेगा, जब दोनों को जोड़ने के लिए बोलेगा, तो देखो क्या देखोगे, सबसे पहले बात तुम ये मिला होगा कि यहाँ पर रूट में जो संख्या दिया हुआ है, रूट में जो संख्या दिया हुआ है वो दोनों सेम है कि नहीं सेम है, तो तुम देख पाओ हाँ सेम है यहाँ पर। तो क्या करोगे, रूट के बाहर क्या पकड़ोगे, 1 और 1 पकड़ लोगे, ठीक है। जब रूट सेम होगा तो क्या करोगे, रूट में जो संख्या दिया है उस संख्या को लिख लोगे, और साथ में रूट के बाहर में जो है वो दोनों को जोड़ दोगे, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो इस तरह से तुम संख्या को जोड़ सकते हो। लेकिन देखो जब संख्या डिफरेंट रहेगा, अलग अलग रहेगा, उस वक्त तुम क्या करोगे, जैसे यहाँ पर √3 दिया हुआ है और यहाँ पर √5 दिया हुआ है, तो ये यही वाला क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, देखो यहाँ पर इसका सेम नहीं दिया हुआ है, रूट में क्या है, संख्या सेम नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो तुम इस तरह से इसका एड कर सकते हो, जोड़ कर सकते हो, ठीक इसी तरह से माइनस, गुना और इसका भाग भी तुम कर सकते हो। तो 9.1 का फर्स्ट नंबर सम्स को देखो क्या करने के लिए बोल रहा है, 9.1 का फर्स्ट नंबर सम्स क्या बोल रहा है, देखो यहां पर क्या बोल रहा है, देखो कि कुछ मौलिक संख्या दिया हुआ है और कुछ अमौलिक संख्या दिया हुआ है, तो उसका गुना हम लोग कैसे करेंगे। तो देखो फर्स्ट में क्या बोल रहा है, यहां पर फर्स्ट में बोल रहा है 175 रूट। तो रूट करने से पहले क्या करोगे, इसका तुम एलसीएम लेके इसका तोड़ो, नहीं इसका फैक्टर बना दो। तो देखो 175 को 5 से काटो तो कितना हो जाएगा, यहां पर 5 × 3 गया 50, 2 कैरी हुआ 5, फिर देखो यहां पर 5 से कैंसिल करो तो कितना हो गया 7। तो यहां पर तुम इसको इस तरह से लिख सकते हो 5 × 5 × 7। तो देखो यहां पर 5 का जोड़ा बन गया, 5 का जोड़ा बन गया, तो 5 क्या होगा, रूट से बाहर निकल जाएगा, यानी 5 क्या हो गया यहाँ पर, मौलिक संख्या। और देखो 7 का कोई भी जोड़ा नहीं बना, यानी 7 क्या हो गया, अमौलिक संख्या। तो इसका आंसर तुम इस तरह से लिख सकते हो। सेम देखो सेकंड नंबर सम्स क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर सम्स बोल रहा है 2√112, 2√112। तो 112 को पहले तुम तोड़ लो,
तो 112 का क्या होगा, देखो दो से भागा दोगे तो क्या होगा, दो पंचे दस, यहां से एक निकला दो छक्के बारह, फिर दो से भागा दो तो कितना हो गया 28, फिर दो से भागा दो तो कितना हो गया 14, फिर दो से भागा दो तो यहां पर हो गया 7। तो तुम इसको इस तरह से लिख सकते हो, दो तो ऑलरेडी से है, फिर यहां पर देखो कितना दो है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और यहां पर क्या है 7, यानी 7 दिया हुआ है। अब देखो दो का पेयर यहां बन गया और दो का पेयर यहां बन गया, यानी कुल मिला के दो तो दो रूट से बाहर निकलेगा, यानी दो तो पहले से दिया हुआ है और दो यहां से आ गया और रूट में 7, यानी 7 क्या हो गया अमौलिक संख्या और ये क्या हो गया मौलिक संख्या। तो इसको गुना करके लिख लो कितना होगा, तो 2 2 4 4 2 8, तो 8 रूट 7 इसका आंसर हो गया। सेम देखो थर्ड नंबर से इसमें क्या बोलता है, रूट 108, क्या बोल रहा है रूट 108। तो देखो रूट 108 को कैसे करोगे, रूट 108 का तुम कभी निवारा कैसे करोगे, तो देखो यहां पे क्या करो, इसका एलसीएम तुम ले लो, फिर क्या होगा 108 को तोड़ो तो कितना हो जाएगा यहां पर 54, फिर इसको 2 से तोड़ो तो कितना हो गया 27 27, फिर इसको 3 से काटो तो कितना हो गया 9, फिर इसको 3 से काटो तो यहां पर हो गया 3 3 9। अब इसको तुम इस तरह से लिख लो, तो देखो यहां पर 2 कितना है, 2 यहां पर 2 बार है तो लिख लो, फिर देखो यहां पर 3 कितना बार है, तो यहां पर 2 बार है और यहां पर 1 बार, तो देखो यहां पर जोड़ा कितना बन रहा है, देखो जोड़ा यहां पे 1 बना तो रूट से बाहर निकल गया। सेम देखो यहां पे 1 जोड़ा बना तो ये भी बाहर निकल गया, लेकिन ये रूट से बाहर नहीं निकल पाया, तो ये क्या हो गया अमौलिक संख्या, और जो रूट से बाहर निकल गया क्या बोले हम लोग मौलिक संख्या, यानी कि 6 रूट 3 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट समझ देखो, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है 125 रूट 125, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है रूट 125, यहां पर लिख लो रूट 125, तो इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, इसको तोड़ोगे तो होगा 25, यानी 5 यानी 25, फिर यहां 5 से भाग दो तो हो गया यहां पर 25 25 125। तो देखो यहां पर इसको तुम इस तरह से लिख सकते हो, 5 गुने 5 गुने 5। अब देखो यहां पर 2 का जोड़ा बन गया और जोड़ा जैसे ही बाहर निकलेगा तुम रूट से उसको बाहर निकाल सकते हो, यहां पर लिख लो 5 रूट 5 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 5 नंबर समझो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट 5 बोल रहा है 5 रूट 119 119। तो देखो जब तुम 119 को काटोगे तो देखो कि ये किसी का टेबल में कटता है क्या, तो किसी का टेबल में कटे ना कटे देख लो एक बार कि 17 का 12 में कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 17 2 34 51 68 85 102 119, यानी कि 17 7 119 होता है, कितना होता है 17 7 119। तो देखो इसको लिख के कोई फायदा नहीं है, 17 7 119, तो यहाँ पर कोई इसका पेयर नहीं बनेगा, कोई इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सिर्फ जो दिया हुआ है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए, एक में जितना भी संख्या दिया हुआ सब उसको हम लोग कर लिए। अब देखो दो में क्या दिया हुआ है, इसको तुम स्टार मार्क्स कर लो, दो जो है वो काफी सम्स में एग्जाम में काफी इसको पूछ लेता है। तो देखो दो नंबर में क्या बोल रहा है, सम्स को सही समझते चलो, अच्छा से इसको फेयर को बनाते चलो, ताकि जब एग्जाम आए तो इसको आराम से तुम पलट के बातों को सही से समझ सकते हो और एग्जाम में आए तो इसको आराम से सॉल्व भी कर सकते हो, है ना। तो देखो टू नंबर में क्या बोल रहा है, टू में ये बोल रहा है कि प्रमाणित करना है कि रूट 108, प्रमाणित करना है कि रूट 108 रूट 75 इज इक्वल टू रूट 3, यानी 108 को माइनस 75 को इज इक्वल टू रूट 3 आएगा, कैसे, तो इसका एलसीएम लेके तुम तोड़ सकते हो, तो ले लो यहां पर 2 2 4, यानी कि एलसीएम लेकर तुम इसको तोड़ देख लो, तो 2 2 4 यहां हो गया। अच्छा मैं यहां पर तोड़ के तुम लोगों को दिखा दे रहा हूं, तो देखो कितना होगा 108 का, तो तोड़ो तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ हो गया 4, फिर यहाँ पर 2 से तोड़ो तो कितना हो गया 27, फिर हो गया यहाँ पर 3 तो 9, फिर हो गया यहाँ पर 3, तो तुम इसको इस तरह से लिख सकते हो, 2 2 4 3 3 9, यहाँ पर 3 3 बार हो गया। सेम अब तुम 75 को तोड़ो तो 75 को तुम किस तरह से लिख सकते हो, देखो यहाँ पर 3 5 15 और 15 5 75। अब देखो 5 का यहाँ पर जोड़ा बन गया और यहाँ पर देखो 3 का भी जोड़ा बन रहा है और प्लस 2 का भी जोड़ा बन रहा है, तो 2 को और 3 को तुम क्या करोगे बाहर निकाल दोगे, 2 को 3 को बाहर निकालोगे और यहाँ क्या बच गया, देखो यहाँ पर 3 बच जा रहा है,
और यहाँ क्या होगा देखो, पांच का जोड़ा बन रहा है तो पांच यहां से बाहर निकल गया, तो बचा क्या रूट थ्री। तो देखो माइनस करने के लिए बोला है, तो हम क्या बोले थे कि रूट में जो संख्या दिया हुआ सेम है कि नहीं है, तो जी हाँ वो सेम है। तो क्या करेंगे हम लोग, छह से पांच को लिस्ट कर दोगे, कितना हो गया वन, और देखो रूट थ्री हम लोग को प्रूफ करने बोला था जो कि रूट थ्री प्रूफ हो गया, यहाँ पे लिख दोगे प्रमाणित। नेक्स्ट अब थर्ड नंबर समझते देखो, थर्ड में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि दिखाए कि रूट 98 प्लस 8 माइनस 2 रूट 32 इज इक्वल टू 2। तो कैसे प्रमाणित करना है इसको भी देख लो, तो देखो तीन में क्या बोल रहा है, तीन नंबर समझ में बोल रहा है कि 98 प्लस रूट 8 माइनस रूट 32 इज इक्वल टू 2। तो इसको तुम तोड़ लो तो कितना हो गया, अच्छा तुम इसको यहां पर तोड़ के देख लो कितना होगा, जब यहां पर 98 से 2 को डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, यहां से 1 निकलेगा तो 2 9, फिर 7 से कर लो यहां पर, तो इसको तुम इस तरह से लिख सकते हो 2 × 7 × 7 प्लस इसको तोड़ लो तो 2 × 2 × 2। अब 32 को तोड़ो तो 32 का क्या होगा देखो, 2 × 2 = 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 32। अब यहां पे क्या करना देखो तुम लोगों को, सबसे पहले तो यहां पे देखो 7 का पेयर बन रहा है तो 7 को बाहर निकाल दो। अब यहां पे क्या बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है तो 2 को बाहर निकाल दो। और यहां पे क्या देख पा रहे हो, 2 का एक पेयर बन रहा है और यहां पर 2 का पेयर बन रहा है, 2 और 2 कितना हो गया 4, तो रूट से क्या निकलेगा 4, और ऑलरेडी यहां पर 2 था। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर 7 है और ये देखो रूट, और यहां पर देखो रूट में जो संख्या है वो सेम है, यानी यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है, तो हम क्या बोले थे कि जब रूट में संख्या सेम रहेगा और प्लस का साइन दिया है तो क्या करेंगे, बाहर वाला संख्या तो हम लोग क्या करेंगे मिला देंगे, उसको जोड़ कर देंगे, तो 7 और 2 कितना हो गया 9। सेम यहां पर देखो 4 × 8, अब इसको लेस कर दो, हम क्या बोले जब रूट में संख्या सेम रहेगा, रूट में संख्या सेम रहेगा और माइनस का साइन दिया हुआ है तो बाहर बाहर को हम लोग लेस कर देंगे, तो 9 से 8 गया 1, और 1 को लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो। देखो जो रूट 2 प्रूफ करने बोला था तो रूट 2 को हम लोग प्रूफ कर दिए, यहां पर लिख दो प्रूफ या प्रमाणित। नेक्स्ट अब फोर नंबर सम्स को देखो, फोर नंबर सम्स क्या बोल रहा है, फोर नंबर सम्स बोल रहा है कि दिखाएं कि रूट 3 48 माइनस 4 रूट 75 प्लस रूट 192 वो तो इक्वल टू 0 होगा। तो देखो कैसे करो इसको, रूट 48 माइनस 4 रूट 75 यानी कि 75 प्लस रूट 192 इज इक्वल टू 0। तो क्या करो वैसे इसको तोड़ लो तू, तो क्या हुआ यहां पर 2 × 2 = 4 हो गया, 4 × 8 हो गया, 8 × 16 और 16 × 3 = 48। सेम इसको भी देख लो, 3 × 3 = 15, 15 × 5 = 75। अब इसको तोड़ो क्या होगा यहां पर, यहां पर तोड़ के मैं तुमको दिखा दे रहा हूं, देखो 192 के जब तोड़ोगे तो क्या होगा यहां पर 2, तो कितना होगा यहां पर 9 × 2 = 18, 1 = 12, फिर यहां पर तोड़ो तो कितना होगा यहां पर 4 × 8, 4 × 8 यहां पर 1 = 16, फिर यहां पर 200 तोड़ो तो कितना हो गया 24, फिर 200 तोड़ो तो हो गया यहां पर 12, फिर 200 तोड़ो तो कितना हो गया यहां पर 6, फिर 200 तोड़ो तो हो गया 3। तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग यहां पर लिख सकते हैं प्लस 2 × 2 × 2 × 3, तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो अब देखो क्या हो रहा है यहां पर, यहां पर 2 का एक जोड़ा बना, यहां पर 2 का एक जोड़ा बना, तो कितना बाहर निकलेगा 4 बाहर निकलेगा, और इसको सम में गुणा कर दो, 4 × 3 = 12, तो यहां पर क्या हो गया रूट 3। सेम यहां पर देखो, यहां पर 5 का जोड़ा बन रहा है तो 5 बाहर निकलेगा तो 5 × 4 हो जाएगा 20, तो 20√3। अब यहां पर देखो प्लस, सेम देखो यहां पर 2 का जोड़ा बन रहा है, यहां पर एक 2 का जोड़ा बन रहा है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, अच्छा हम लोग सही लिखे नहीं लिखे वो चेक कर लो, 2 × 2 था तो लिखे हम लोग यहां पर, फिर 2 × 2 है तो लिखे यहां पर, अच्छा इस 2 को हम लोग नहीं लिखे हैं ठीक है, तो इस 2 को भी तुम लोग लिख लो,
तो देखो यहाँ पर और एक जोड़ा बन गया, तो देखो दो दूनी चार, चार दूनी आठ, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, आठ रूट तीन। अब देखो पहले प्लस कर लो, तो देखो यहाँ पर प्लस का साइन दिया हुआ है और रूट यहाँ पर भी तीन है, यहाँ पर भी रूट तीन है, तो रूट तीन और रूट तीन तो दोनों सेम हो गया। यहाँ पे क्या लिखोगे, इसको और इसको ऐड करो, तो कितना हो गया बीस रूट तीन। सेम यहाँ पे क्या होगा, माइनस रूट थ्री, तो देखो यहाँ पर रूट थ्री और यहाँ पर रूट थ्री, बस इसको माइनस कर दो, कितना हो गया जीरो, और जीरो हम लोग का प्रूव हो गया। देखो फाइव नंबर सम्स क्या बोल रहा है, देखो फाइव में बोल रहा है कि सरलतम मान ज्ञात करो, ठीक है, तो फाइव का सरलतम मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो क्या दिया यहाँ पर, रूट बारह, रूट अठारह प्लस रूट सत्ताईस माइनस रूट बत्तीस, तो इसको पहले फैक्टर में तोड़ लो, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, दो गुने दो चार, चरतियाई बारह, प्लस यहाँ पर भी तोड़ लो, तो दो दो तियाई छह, छह तियाई अठारह, यहाँ पे क्या हो गया तीन तरीके नौ, नौ तरीके सत्ताईस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो गुने दो चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, सोलह दूनी बत्तीस। तो अब देखो यहाँ पर जोड़ा बना लो, यहाँ पेयर कितना बन रहा, देखो इसका एक का पेयर बन रहा, यहाँ पे क्या हो जाएगा टू रूट थ्री, यहाँ पे क्या हो, देखो तीन का जोड़ा बन रहा है, तो क्या हो गया यहाँ पर तीन रूट और तीन रूट टू, यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो यहाँ पर बन रहा है तीन का जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे क्या होगा प्लस थ्री रूट थ्री, और यहाँ पर देखो दो का एक जोड़ा बना और यहाँ पे एक दो का जोड़ा बना, दो दूनी कितना हो गया चार, यहाँ पर हो गया माइनस चार रूट दो। अब यहाँ पर देखो रूट में जो भी संख्या दिया हुआ उसको पहले तुम लोग मिला लो, देखो यहाँ पर रूट में तीन है और यहाँ पर रूट में तीन दिया हुआ है, तो रूट तीन और रूट तीन दोनों सेम है, तो हम क्या बोले थे कि जब प्लस करने के लिए बोलेगा रूट में सेम संख्या हो तो हम लोग क्या करेंगे बाहर बाहर संख्या को जोड़ देंगे, तो तीन और दो कितना हो गया पांच, तो पांच रूट तीन। अब यहाँ पर देखो रूट में संख्या तो मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ करने क्या बोल रहा है माइनस, तो हम लोग क्या करेंगे बाहर वाला संख्या का माइनस करेंगे, तो देखो चार से तीन दिया, लेकिन देखो चार वाला संख्या ज्यादा है इसलिए क्या हुआ साइन माइनस का होगा, यहाँ पे क्या हो गया रूट टू, और बाहर में क्या होगा वन, तो वन लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते, तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम लोग सिक्स नंबर सम्स को करते हैं, देखो सिक्स में क्या बोल रहा है, देखो तो देखो सिक्स में बोल रहे हैं कि रूट फाइव प्लस रूट थ्री के साथ कितना जोड़ने पर योगफल टू रूट फाइव होगा, तो यहां पर मान लो एक्स, मान लो एक्स जोड़ने पर, माना एक्स जोड़ने पर, माना एक्स या ए भी जोड़ सकते हो, तो लिखो माना ए जोड़ने पर, ए जोड़ने पर, ठीक है, तो माना ए जोड़ने पर कितना के साथ, तो देखो रूट फाइव प्लस रूट थ्री के साथ ए जोड़ने पर कितना हो जाएगा बोल रहे हैं, तो हो जाएगा आपका टू रूट फाइव हो जाएगा। तो जब ए का मान निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, देखो जब ए का मान निकालना हो तो क्या होगा, यहाँ पर ए को इस तरफ में रखेंगे और इस वाली संख्या को इक्वल का इस साइड लेके आएंगे, तो प्लस क्या बन जाएगा माइनस और माइनस क्या बन जाएगा प्लस, ठीक इसका रिवर्स हो जाता है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा टू रूट फाइव और यहाँ पे क्या होगा रूट फाइव और यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट थ्री, तो यहाँ पे देखो रूट फाइव और रूट फाइव दोनों मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या करने बोला है माइनस, तो बाहर और बाहर संख्या क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे, तो दो से एक या एक, यानी कि यहाँ पे हम लोग फाइव लिखेंगे एक, और यहाँ पे क्या है इसका कोई भी प्लेस ऐड कुछ करना ही नहीं है, इसको जस्ट कॉपी कर दो, तो ये इसका आंसर हो गया, यानी हम लोग इसके साथ ए जोड़ेंगे, ठीक है, तो इतना संख्या आ जाएगा। सेम देखो बी नंबर में क्या बोल रहा है, ये सारे सम्स जितने भी हैं सिक्स के सभी इंपॉर्टेंट है, तो सभी को अच्छे ढंग से कॉपी में तुम लोग नोट कर लोगे और चाहो तो इसको अच्छे से क्लियर बना लोगे, ताकि जब भी माध्यमिक एग्जाम आएगा तो एक बार तुम लोग पलट के देख सकते हो, है ना। तो देखो बी का देख लो, बी में क्या बोल रहा है, छह का बी में बोल रहा है कि सेवन माइनस रूट थ्री के साथ कितना घटाने पर योगफल थ्री प्लस रूट थ्री होगा, तो सेम वही काम कर लो तुम लोग कि माना ए घटाने पर, माना ए घटाने पर, ए घटाने पर, तो देखो क्या होगा यहां पर, यह संख्या दिया हुआ है और इसके संग में मान लो कि ए घटाने पर इतना बन जाएगा थ्री प्लस रूट थ्री हो जाएगा, तो सेम क्या करो देखो ए को इक्वल का साइड रखो,
और इसको इस साइड लेके चलाओ इक्वल का, तो क्या होगा प्लस माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक इसका रिवर्स होता है। तो ये तो ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, सेवन को इक्वल का इस साइड लेके आओ तो क्या बन जाएगा माइनस, और देखो ये आपका माइनस में दिया हुआ तो इधर आया तो क्या बन जाएगा प्लस। अब यहां पर देखो सेवन से थ्री दिया तो क्या हो जाएगा माइनस फोर, और देखो रूट थ्री और रूट थ्री दोनों तो सेम ही है भाई, तो जब दोनों सेम है और प्लस करने के लिए बोला है तो रूट के बाहर जो भी संख्या दिया रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टू रूट थ्री। यहाँ पे क्या दिया हुआ है ए, बट हमको निकालना क्या है ऑनली ए का मान। तो देखो यहाँ पर माइनस से हम लोग जब भागा करेंगे, जब माइनस से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर जस्ट देखो रख के मैं दिखा रहा हूँ, तो जब माइनस से भागा करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर, और जब माइनस से इसको भागा देंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, तो ये इसका आंसर हो गया यानी सिक्स का बी का आंसर ये हो गया। नेक्स्ट अब देखो सी का, सिक्स का सी में क्या बोल रहा है, देखो सिक्स का सी में बोल रहा है कि टू प्लस रूट थ्री, थ्री रूट प्लस फाइव रूट एवं टू प्लस रूट थ्री का योगफल कितना होगा। तो देखो सभी को जोड़ने के लिए बोला है, तो यहां पर जोड़ लो आप देखो जोड़ने के लिए बोला, योगफल करने के लिए बोला, तो जहां पर कॉमन है वहां पर क्या करेंगे हम लोग उसको प्लस कर देंगे है ना। तो यहां पर लिखो, यहां पर कॉमन जब क्या कर दोगे प्लस कर दोगे। अब क्या करना है तुमको देखो कि ये वाला रूट थ्री और ये रूट थ्री दोनों तो मिल रहा है ठीक है, बट पहले देखो यहां पर और कुछ है क्या, नहीं है, तो इसको और इसको तुम पहले जोड़ लो, तो क्या हो गया टू टू फोर हो गया। अब देखो रूट थ्री और रूट थ्री दोनों ही मिल रहा है, तो क्या करोगे रूट के बाहर जो भी संख्या दिया उसको पहले जोड़ लो, तो क्या हो गया टू रूट थ्री। अब यहां पे क्या बच रहा है देखो फाइव का कोई भी जोड़ा नहीं बना तो फाइव को ऐसे लिख दो, और सेवन का भी कोई जोड़ा नहीं बन रहा सेवन को भी तुम ऐसे ही लिख लो। अब देखो सिक्स का डी क्या बोल रहा है, सिक्स का डी देखो बोल रहा है कि यहां पर टेन माइनस रूट इलेवन से माइनस फाइव प्लस थ्री रूट इलेवन का वियोग करो एवं वियोगफल कितना हुआ बताओ। तो देखो यहाँ पर घटाव करने के लिए बोला है, यहाँ पर घटाव तुम लोग कर लो यानी कि सब्ट्रैक्ट यहाँ पर कर लो, तो रूट टेन माइनस रूट इलेवन कॉमा माइनस फाइव प्लस थ्री रूट इलेवन को क्या करना है वियोग करने बोला है। तो देखो जहां पर कॉमा बोला है कॉमा जब ये कर देखो हम लोग यहाँ पर माइनस का साइन दे देंगे, यहाँ पर लिखो टेन रूट अलेवन यहाँ पे क्या करेंगे माइनस ठीक है। अब हमेशा एक बात को याद रखोगे कि जब भी ब्रैकेट के बाहर में, ब्रैकेट के बाहर में जब भी माइनस रहेगा तो ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या है उस संख्या का साइन जो भी है वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। फिर से बोल कर देखो यानी ब्रैकेट के बाहर में जो भी साइन दिया हुआ है ना, जो भी साइन दिया हुआ है और ब्रैकेट को जब हम लोग हटाएंगे तो जो भी साइन है वो साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा क्या बन जाएगा ये बन जाएगा प्लस, और ये क्या है प्लस तो क्या बन जाएगा माइनस। अब क्या करना है देखो यहां पर ये आपका दिया हुआ प्लस टेन और ये क्या दिया हुआ प्लस फाइव, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा प्लस पंद्रह। अब यहां पर देखो कि रूट इलेवन और यहां पर रूट इलेवन दोनों मिल जा रहा है और दोनों को क्या करने के लिए बोला माइनस, तो माइनस और माइनस क्या बनता है प्लस, यहां पर लिख लो माइनस, और दोनों रूट मिल रहा है तो यहां पर लिख लो रूट इलेवन, और क्या करना देखो यहां पर थ्री है और यहां पर क्या है वन, तो थ्री और वन कितना हो गया फोर, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखो ई नंबर क्या बोल रहा है, ई नंबर को कर लेते हैं हम लोग। अच्छा ई नंबर सम्स को तुम लोग स्टार मार्क्स कर लो क्योंकि ये माध्यमिक एग्जाम में आने के हाई चांसेस है ना, इसको भी तुम लोग स्टार मार्क्स कर लो। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है माइनस रूट फाइव प्लस रूट सेवन एवं रूट सेवन प्लस रूट टू का योगफल, यानी कि योगफल करने के लिए बोला, दोनों का योगफल करने के लिए बोला है। उसके बाद जो संख्या आएगा उस संख्या के साथ में क्या करेंगे रूट टू प्लस रूट सेवन को हम लोग क्या कर देंगे वियोगफल कर देंगे, यानी कि पहले इसको हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद जो भी संख्या आएगा हम लोग इसके संग में क्या कर देंगे इसका वियोगफल कर देंगे। तो पहले तुम लोग इसको जोड़ लो ठीक है, तो पहले इसको जोड़ लो, तो क्या होगा यहां पर देखो। अब यहां पर क्या एवं का जवाब क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा प्लस रूट सेवन प्लस रूट टू। अब देखो ये दोनों तो मिल रहा है तो इसको यहां पर मिला दो, मिल रहा है तो क्या हो जाएगा
प्लस टू रूट सेवन और यहाँ पर हो गया हम लोग का रूट टू। तो ये हम लोग का आ गया। अब यहाँ पर लिखोगे या अगेन यहाँ पर भी लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि देखो ये जो आया इसके सामने क्या करना है, इसका हम लोग को वियोगफल करना है। तो यहाँ पर लिख दो वियोगफल, ठीक है। तो यहाँ से वियोगफल स्टार्ट कर दो। तो ये आपका दिया हुआ था। और अभी अभी तुम लोग एक बात हम बोले थे कि कभी भी ब्रैकेट के बाहर भी साइन माइनस कर दिया रहेगा तो ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या रहेगा सबका क्या वो साइन चेंज हो जाएगा जब ब्रैकेट हटाएंगे। तो यहाँ पर लिखो माइनस फाइव टू रूट सेवन टू रूट, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस फाइव, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस टू रूट, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस रूट सेवन। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कि माइनस फाइव यहाँ पर है और यहाँ पर माइनस फाइव है, तो माइनस फाइव और माइनस फाइव क्या हो जाएगा माइनस टेन। अब यहाँ पर देखो एक चीज को कि यहाँ पर रूट टू माइनस में है और यहाँ, ठीक है, तो इसको हम कैंसिल कर दिए। अब यहाँ पर देखो क्या है, रूट सेवन और यहाँ पर भी है रूट सेवन, लेकिन ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो क्या करेंगे, रूट सेवन दोनों सेम ही है, तो क्या करोगे यहाँ पर कि देखो ये जो संख्या बड़ा है उससे इसको लेस कर दोगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रूट सेवन, यानी माइनस टेन रूट सेवन इसका आंसर हो गया। अब लास्ट एफ नंबर सम्स को देखो। अच्छा एक बात ना यहाँ पर तुम लोग और एक बात को समझ लो कि बहुत बार ऐसा क्या होता है ना कि हम लोग माइनस डिजिट को पहले नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो बहुत बार क्या होगा, तुम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हो रूट सेवन माइनस टेन, है ना। तो दोनों ही आंसर सही है, लेकिन क्या होता है पहले हम लोग माइनस को नहीं लिखते हैं, इसीलिए क्या करते हैं प्लस को तुम आगे लिखोगे, है ना। तो अब एफ नंबर सम्स देखो, एफ नंबर सम्स में क्या हो रहा है, दो द्विघात करनी लिखे जिनका योगफल मौलिक संख्या हो, है ना। तो मौलिक संख्या और अमौलिक संख्या तुम लोग को हम पहले ही बता चुके हैं कि मौलिक संख्या क्या होता है और अमौलिक संख्या क्या होता है। तो पहले फिर से एक बार समझ लो कि मौलिक संख्या क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रूट 49, यहाँ पर रूट क्या लिखे हम लोग 49, तो इसका एलसीएम क्या लेंगे, इसको हम लोग फैक्टर में कैसे तोड़ेंगे, यानी कि 7 × 7, तो दोनों का जोड़ा बन गया, तो हम लोग इसको इजिली रूट से बाहर निकल पाएंगे। तो ये क्या हो गया, इसका मौलिक संख्या हो गया। लेकिन इसको तुम देख लो, यानी यहाँ पर हम लिख रहे 15, तो क्या करेंगे इसको जब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा 3 × 5 = 15। तो देखो तीन का भी जोड़ा नहीं बना और यहाँ पर पांच का भी जोड़ा नहीं बना, तो इसको तुम रूट से बाहर नहीं निकल पाओगे, अर्थात ये क्या हो गया अमौलिक संख्या हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो दो द्विघात करनी लिखे जिनका योगफल मौलिक संख्या हो, जिनका योगफल क्या हो मौलिक संख्या हो, तो उसको लिख लो। तो यहाँ पर लिख लो 6 का एफ नंबर। तो यहाँ पर क्या करना, दो मौलिक संख्या लिखना है। तो देखो यहाँ पर तुम लिख सकते हो, ये पहला नंबर हो गया और ठीक इसको अपोजिट में लिख दो, एक बार प्लस में लिखो, दूसरा बार क्या इसको माइनस में लिख दो, और इसके अलावा बहुत सारे और भी तुम लिख सकते हो, है ना। तो इसको तुम जोड़ के देखो क्या एक मौलिक संख्या होगा, दो द्विघात करनी लिखे तो दो तो हम द्विघात करनी लिखे साथ में, क्या दोनों को जोड़ने से क्या मौलिक संख्या होगा क्या। तो देखो एक बार जोड़ के हम लोग देख लेते हैं, ये इसका आंसर हो गया, बट प्रमाणित करके देख रहे हैं कि मौलिक संख्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। तो इसको जोड़ो, तो देखो चार, यानी देखो रूट से बाहर निकालो पहले, तो देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो देखो चार और चार कितना होता है 8, तो देखो 8 क्या है मौलिक संख्या है, है ना। तो ये इसका हो गया हम लोग का आंसर। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा देखो हम लोग 9.1 के सारे सम्स को आज हम लोग कर लिए, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, 9.2 के सारे सम्स को बनाएंगे, और वीडियो की अच्छी लगी हो, ठीक है, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, और साथ में अपने दोस्तों से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उन लोगों को भी हेल्प हो जाए। और वीडियो में कोई भी त्रुटि, यदि कोई भी गलती ऐसी नहीं होगी तो कमेंट सेक्शन में तुम लोग इस बात को बता सकते हो और अपने राय को तुम रख सकते हो, और चैनल पर नए हो चैनल को तुम सब्सक्राइब कर लो, ऐसे वीडियो और मैं बनाते रहूंगा और जिस तरह से तुम लोगों का माध्यमिक का हेल्प होते रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।